हे फ्रेंड्स, हाउ डू यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको देखनी है और फॉलो करनी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करनी है। यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का। आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन, सेटिंग्स, होम स्क्रीन, सेकंड सिंपल मोड। एंड यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वॉलपेपर एंड थीम्स का। तो यहाँ से आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके सामने बहुत सारे वॉलपेपर्स शो होने लगते हैं। यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाउनलोड मोर का। यहाँ से आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो इनको परचेज करके यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेट टू लॉक स्क्रीन, सेट टू होम स्क्रीन, सेट एज बोथ। तो यहाँ से हम सेट एज बोथ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।